أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم प्यारे बच्चों, आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें क्या करना है, जो ये नंबर्स नीचे दिए गए हैं इन्हें हमें छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बन जाए। यानी 252 अगर लेंगे हम, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे हम 252 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। फिर हमें इसका क्या करना है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो जब हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये ताकि ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा, फिर हमें उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। हम फर्स्ट पार्ट लेंगे 252। हम किस तरह वो नंबर निकालेंगे जिससे हम इसको जरब करेंगे ताकि ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। देखिए, हम यहां लेंगे 252, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 3 6, इसको 3 से करेंगे, 3 2 6 3 1 3 3 7 21 7 1 7। Now the factors of 252 is r 2 2 3 3 7 7। देखिए हम क्या करेंगे, 2 एंड 2 ये पेयर्स में आए हैं, 3 एंड 3 ये भी पेयर्स में आए हैं, 7 सिंगल है। हमें इस 7 को पेयर बनाना है। 7 को किस तरह पेयर बनाएंगे हम, जब हम इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम यहां लिखेंगे 2 एंड 3 ओकर इन पेयर्स बट नॉट 7। 2 और 3 जो है ये पेयर्स में है जबकि 7 पेयर्स में नहीं है। सो वी मल्टीप्लाई 252 बाय 7 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर लिहाजा हम क्या करेंगे, हम 7 से 252 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 200 देखिए हम क्या, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 वन कैरी, 7 5 35 एंड 1 6 36, 3 कैरी, 7 2 14 एंड 3 14 16 14 15 16 17। अब ये जो नंबर आ गया हमें 1764, यही ये अब स्क्वायर नंबर है, ये अब स्क्वायर नंबर है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1764। देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, जब हमने 252 के फैक्टर्स निकाले हैं वो है 2 2 3 3 7। फिर हमने 7 से इस 252 को मल्टीप्लाई किया है तभी 1764 नंबर बन गया। तो यहां भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे अलग से, यहां जिस तरह हमने 252 के फैक्टर्स निकाले तो ये इसके फैक्टर्स निकल गए। जब अगर हम
अब 1764 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो यहां भी एक तो ये फैक्टर्स आएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 एंड 2 2 स्क्वायर, 3 एंड 3 3 स्क्वायर, 7 एंड 7 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 237, इनका एक ही स्क्वायर रखेंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, वो मैंने आपको कल ही बता दिया है स्क्वायर और रूट कैसे कैंसिल हो जाता है, 2 3 6 7 42, नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1764 इज 42। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट 180, यहां भी हम पहले 180 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 9 18, 2 0 0, 2 4 8, एक बचेगा यहां 10 बनेगा, 2 5 10, 2 से नहीं हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, हाँ 3 से हो जाएगा इसको, 3 1 3, एक बचेगा 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, तो 180 के फैक्टर्स हैं 2 2 3 3 3 5 5, यहां भी है 2 एंड 2 ऑकर इन पेयर्स, 2 की एक पेयर बनती है, 3 की एक पेयर बनती है, 5 अकेला है, तो हम यहां इसको भी पेयर बनाएंगे 5 को, तो 5 को कैसे पेयर बनेंगे, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमें 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यहां भी हम ऐसे ही लिखेंगे 2 एंड 3 ऑकर इन पेयर्स, 2 एंड 3 ऑकर इन पेयर्स बट नॉट 5, बट नॉट 5, सो वी मल्टीप्लाई 180 बाई 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 8 40, 4 कैरी 5 1 5 प्लस 4 9, अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, अब ये 900 बन गया, अब हमें इस 900 का स्क्वायर रूट निकालना है, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 900 के, तो उसके फैक्टर्स ये आएंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 3 3 5 5, 2 and 2 2 square, 3 and 3 3 square, 5 and 5 5 square, 2 3 5 whole square, square and root cancel, 2 3 6 6 5 30, Now the square root of this 900 is equal to 30. इसी तरह बाकी parts है 1764, next is 4096, ये भी same इसी तरह करने हैं जिस तरह हमने ये दो parts किए। शुक्रिया।